ये कीड़ा तुम हो। है ना, दो दो कीड़े हैं। ऐसे कीड़े जिनको मैं निचोड़ लेना चाहता हूं। पार्ट टू की शुरुआत ममता और रुपेश से होती है, जहां पर रुपेश ममता के पास जाकर उसको पटाने लगता है। और सच में ये ममता आसानी से पट भी जाती है, क्योंकि इसकी उम्र थी जवानी, इसको चरम सुख के लिए बहुत ही तड़पा रही थी। इसी कारण से ये डायरेक्ट रुपेश के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है। और आपको पार्ट टू के शुरुआत में ही बिल्कुल ताबड़तोड़ और ख़तरनाक टाइप वाला टपाटप सीन देखने को मिलेगा। रुपेश ममता को बाथरूम में ले जाकर क्या गजब तरीके से उसकी टुक पिटाई करता है। ये पूरा सीन 13 मिनट का है, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब अगली सुबह रुपेश का असली चेहरा पता चलता है, क्योंकि इसने ये प्लान बनाया है कि सभी को पटाकर उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर सके। मान गए इस जनाब के प्लान को, क्योंकि साले ने प्रॉपर्टी के लिए सबकी सील तोड़ दी है। इधर ममता सीढ़ियों से आ रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और पैर में मोच आ जाने के कारण वो चीखने चिल्लाने लगती है। सभी इसके पास आते हैं तो सभी को सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि कोई हम पर दिन रात नज़र रख रहा है। तो रुपेश सीधा नाम आकाश का लेता है, पर सभी को उसकी बातें सच्ची नहीं लगती। पर कविता रुपेश का साथ देने के लिए मान जाती है। अब कैसे ये सभी असली कातिल का पता लगाएंगे, ये थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इधर रागिनी ममता के पैर की मसाज करके ठीक करने लगती है, पर ये क्या, ये तीनों तो मसाज करते करते कुछ और ही करने लगती है। मतलब कि ये तीनों ही हवस की पुजारन बन जाती है। करना क्या चाहते थे और कर क्या रहे हैं, पर हमें क्या, हमें तो बस हॉट वाले सीन चाहिए, जो आपको अभी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये तीनों का ये वाला सीन इतना ज़बरदस्त है कि इसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। ये अब तक का सबसे खतरनाक और बढ़िया वाला लेस्बियन सीन है, जिसमें तीनों का जिस्म आपके पूरे शरीर में आग लगा देगा। इस वाले सीन में तीनों का बॉम फिगर आप सभी को देखने को मिलेगा। ये वाला सीन भी पूरे 13 मिनट का है और ये सीन आपके पूरे पैसे वसूल कर देगा। इधर आकाश वकील को अकेले में बुलाकर उनके साथ कुछ बातें करने लगता है, जहाँ पर वकील घर के सारे मेंबर्स पर अच्छी नज़र रखने के लिए कहता है। और अब आकाश का साथ ये वकील भी देने लगता है, बस इसके बदले थोड़े बहुत पैसे देने पड़ेंगे। दोनों की ये डील फिक्स हो जाती है। अब ये दोनों कौन सा प्लान बनाकर कातिल का पता लगाते हैं, ये भी देखने वाली बात है। अब आगे ये सभी मिलकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और हवन करवा के कातिल का पता लगाने का नुस्खा निकालते हैं। दरअसल ये प्लान आकाश का है। ये बाबा क्या घंटा कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ पर वकील के प्लान के हिसाब से सुलेखा जी की आत्मा इस बाबा के अंदर जाती है। अब ये सच है या झूठ ये तो पता नहीं, पर अब यहाँ पर सुलेखा जी के कातिल का पता लगी जाता है। सुलेखा जी को मारने वाला और कोई नहीं, उसकी छोटी बेटी ममता है, जो डर के मारे सब कुछ उगल देती है। और वकील का ये प्लान काम कर जाता है। ममता खून करने की वजह ये बताती है कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा आप सभी से प्यार करने लगी थी, लेकिन सुलेखा किस टाइप का प्यार सभी के साथ करती थी, ये तो अभी फ्लैशबैक में पता चलता है। जहाँ पर सुलेखा अपने शारीरिक संबंध रागिनी के साथ भी बनाती है, और यहाँ पर आपको बिल्कुल खतरनाक वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। उफ, ये भारती झा का फिगर सीने में पूरी आग लगा देगा। और कुछ इसी प्रकार से ये पूरा सीन भी आपके दिल को गार्डन गार्डन कर देगा। पर ममता का आज ये इरादा था कि वो अपनी माँ को वो सारा सुख और प्लेजर देगी जो वो चाहती है, पर आते ही उसे इन दोनों का टपाटप वाला शो दिख जाता है, जिसके कारण ममता के गांड में आग लग जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। पर आपको पूरे 12 मिनट का बवाल वाला सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर इस सुलेखा जी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि इसने घर के मर्दों से लेकर औरतों के साथ भी फुल टपाटप किया है। ममता तो बहुत रोने लगती है, पर अब वो विचार करती है कि रोने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, मुझे इसका बदला लेना पड़ेगा। पर इस बार वो एक बार और ट्राई करने के लिए अपने माँ के पास जाने लगती है।
परिदरप की बार सुलेखा जी अपनी बड़ी बहू कविता के साथ रंगरलियां मनाने में पूरी व्यस्त हो जाती है और आपको एक के बाद एक पूरे पैसे वसूल वाले सीन आपको देखने को मिलेंगे। ये प्राइम प्ले वाले भी ना नुन्नू खड़ी करके ही मानते हैं, क्योंकि ये सीन इतने गजब के बनाते हैं कि आप खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। ये भी फुल एंटरटेनिंग वाला सीन है और पूरे 10 मिनट का सीन है। इधर ममता आती है तो इस बार अपनी माँ को कविता भाभी के साथ टपाटप करता देख पूरी तरह से टूट जाती है और कहानी आती है रियलिटी में। और सुलेखा जी को मारने का पूरा रियल वाला कारण आपको पता चल जाएगा। अब पुलिस वाले ममता को जेल में ले जाते हैं और वकील अपने प्लान में सफल हो जाता है, जिसके बाद आकाश को अपना वादा पूरा करना होता है और अगले ही दिन वादे और शर्त के मुताबिक वकील को 2 करोड़ और साथ में कविता और रागिनी की पुंगी बजाने का मौका भी मिल जाता है। आपको वेब सीरीज के लास्ट में वकील और कविता और रागिनी का एक बिल्कुल खतरनाक वाला गपागप सीन देखने को मिल जाएगा। इन तीनों का रोमांस बिल्कुल एक नंबर है और इस वेब सीरीज के सारे ही सीन आपको मस्त पसंद आने वाले हैं। और इन तीनों के रोमांटिक सीन के साथ पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। मैंने पार्ट 1 की भी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जाइए जल्दी से पहले उसे देख लीजिए, बाद में इस वीडियो को देखना। तो आपको दोनों पार्ट की स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वेब सीरीज़ में भारती झा, श्याना खत्री और आयुषी जायसवाल मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। तीनों की एक्टिंग और उनके सीन इतने बवाल के हैं कि आपके पूरे पैसे ही वसूल हो जाएंगे। आपको पूरे वेब सीरीज़ में फुल धमाकेदार वाले खतरनाक सीन देखने को मिल जाएंगे। तो जाइए और इस पूरी वेब सीरीज़ का आनंद आज ही ले लीजिए। आपको ऐसी वेब सीरीज़ दोबारा देखने को नहीं मिल सकती। आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जाते समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।